तो इबालाई में एक बयान आया है दिग्विजय सिंह, मैं किसी पार्टी का नाम सिर्फ उसकी प्रदर्शित करने खातर ले हूँ, किसी वैर विरोध में नहीं लेंदा। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े चेहरे हैं, वह उनकी बयान दिया है कि भगवा पहरण वाला अरे एक इंसान मंदिरा में बलात्कार करा है। तो जो यह बात कही है यह काफ़ी शर्मसार बात है और काफ़ी रोष है। मेरा मन में तो इसके प्रति पूरा रोष है कि भाई जो यह बात करी है काफ़ी गिरी हुई बात है और उसकी जो गिरी हुई मानसिकता है उसकी दिखावे, क्योंकि किस प्रकार की सोच लेकर पैदा होया है, इसे से आदमी किस प्रकार का सम्माननीय है उसके हैं जिसकी इतनी गिरी हुई सोच है। भगवा रंग एक प्रतिष्ठित रंग है किसी साधु संत के लिए, कुछ और ले कोई अपराध करा है वो व्यक्ति विशेष मामला है जिसके लिए कानून उसकी कितनी सजा देवे है वो कानून का दायरा में आकर बात हो है। लेकिन यू अर एक आदमी बलात्कारी है, भगवा पहनने वाला मंदिर में बलात्कार हुए हैं, तो जो यह छोटी सोच है तो भाई वो मैं यह कहना चाहूँ इस ऐसा मनस का काला मुंह कर देना चाहिए जो इस तरह की बातें दी बड़ा शान तक हुआ है। बाकी मेरी तरफ तो 150 रुपये भाई, जो बंदा काला मुंह करेगा इसका, मेरी तरफ तो 150 रुपये हैं। वैसे मैं ज़्यादा कहूँ यूँ भी मैं इतना कहूँ क्योंकि रंग रूंग का खर्चा आवेगा, दिहाड़े धप्पे पर आएगा अगला सारी बात करा, तो हम कितनी बोली लाओ हो इसका काला मुंह करने पर, तारे के विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखो यार। मैं मेरी तरफ से 150 रुपये दे हूँ जो बंदा इसका काला मुंह करता हो, लेकिन इसके लिए तो मैं भी ज़्यादा है क्योंकि इसका तो फ्री में ही करना चाहिए, इसका तो फ्री में ही काला मुंह होना चाहिए जिस इतनी गिरी हुई सोच का मनस है। यूँ अपने विचार बताइयो भाइयो, इतिया बात ठीक कही गलत कही, मंदिर में भगवा पहनने वाला हर एक इंसान बलात्कारी है यह बात कह के न, पहली बात तो हिंदू धर्म का ऊपर इसकी पूरा बड़ा प्रहार कराया है और यह बात सहनीय नहीं है। देखा इसका बारे में लोग आगे के राय है के विचार हैं कितना शेयर करे हैं, 150 रुपये मेरी तरफ है इसका काला मुंह करने वाला थी, करो शेयर और बोली लाओ इसका काला मुंह करने खातर कितने कितने कौन देश का है। मैं ज़्यादा नहीं देना चाहता लेकिन तार में होंगे कुछ बंदे, देखो फिर कितना तक चावन जावा बोली। मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद वंदे मातरम।